actually your adventure, so I'll be very, very modest. See, I am just a supporting cast here. The actual hero is this. बैटरी भी लो हो गई है, बैटरी लो है, थोड़ा सा लाइट सर थोड़ा सा दे देना। लुक यहाँ पे अरे बूम साइड करो, अभी रुको पहले, ये भी इधर आपके उधर हो। हो गया दादा, शुरू करना है कि बाइट 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 आगे कर देना। थैंक यू थैंक यू। उसके बाद बाइट बाइट करना, हां आगे कर देना, आगे कर देना, आगे कर देना। लेने देना, हाँ लीजिए लीजिए लेना। लोग 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 सब लोग हैं, जल्दी करो यार फटाफट करो। तीन तीन गाड़ियां ले ली भाई, एक मिनट चलो चलो चलो। हाँ इधर आ जाओ, Kushank Ravindra share a new venture. Congratulations to Kushank and Ojasvi for the new venture. बहुत अच्छा लगता है कोई अपना जब एक स्टेप फॉरवर्ड करता है, तरक्की करता है, तो आई थिंक सेम प्लेस सेम टाइम इज द प्लेस। एंड बीइंग अ सेलिब्रिटी कितना चैलेंजिंग होता है, कितना इजी होता है यू नो टू क्रिएट एन ब्रांड फॉर देमसेल्फ? देखिए बहुत कोई भी आप बिजनेस करते हैं बहुत मुश्किल होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस करें छोटा सा
तो बेस्ट पार्ट इसकी आप अगर फूड की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं और आप अपने जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स को हैप्पी रखें तो नथिंग लाइक दैट डेफिनेटली लोग वापस आना चाहेंगे. एंड डू यू हैव एनी प्लान्स टू स्टार्ट एनी बिजनेस? आई मीन नॉट एज ऑफ नाउ. अगर ऊपर वाले इंतजार हो जल्दी शुरू. एंड व्हाट अबाउट प्रोफेशनल फ्रेंड्स? व्हाट्स योर प्रोफेशनल फ्रेंड? सॉरी, प्रोफेशनल फ्रेंड्स? आर यू लुकिंग फॉर सम प्रोजेक्ट राइट नाउ? या हम मैंने और अभी मेरी पोस्टर है जो यहाँ पे बिजी है अभी, तो हम दोनों ने एक शो ख़त्म किया जिसका नाम है ये इश्क नहीं आसान. तो द बेस्ट पार्ट इज़ वो कल ऑन एयर होने वाला दंगल टीवी पे, तो देखना ना भूलिए दंगल टीवी पे दिन में 3 बजे. एक मिनट, लाइक वन ऑफ बिट क्वेश्चन सर, यू नो इन टुडेस टाइम ओल्ड पीपल, अरे नहीं सर वो बात नहीं, ओल्ड पीपल आर बीइंग नेग्लेक्टेड अ लॉट, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना जरूरी है यू नो टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ओल्ड पीपल हु आर रिटायर्ड यू नो ऑलमोस्ट. देखिए मेरा ये मानना है कि जब हम छोटे थे, सब लोग आप भी जब छोटे थे, तो हमारे माँ बाप ने हमारा ध्यान किया है, हमें पाल पोस के इतना बड़ा इतने लायक बनाया कि हम इस काबिल पहुँचे हैं. हम नई नई चीज़ें करते हैं, दुनिया अगर हमें जानती है तो उनकी वजह से जानती है. अगर आप उनकी कदर नहीं करोगे तो फिर आपकी कदर कौन करेगा? फ्यूचर को प्लान करना, मतलब बहुत सारे लोग होते जो प्लान नहीं करते फ्यूचर को, एक सडनली क्या करना, तो आपने प्लान किया और क्या करना चाहेंगे कि कितना जरूरी है फ्यूचर प्लान करना? देखिए कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं भले कोई सा भी काम, फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लान करना. बट येस, बहुत दूर की भी सोच लेंगे तो आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर लोगे इसके चक्कर में. तो जैसा चल रहा है उसके हिसाब से, फ्लो के हिसाब से चलता रहना चाहिए. प्रेजेंट को जियो तभी फ्यूचर आपका अच्छा होगा. सर व्हाट सिल्वर इनिंग्स लाइफ बिगिंस एट 60? हाँ कुछ नहीं. पर मुझे लगता है कि ये उतना ही रॉन्ग करेगा इतना भी इजी नहीं होता है. तो इट्स नॉट दैट इजी, बट हाँ समवेयर आई थिंक पब्लिसिटी में डस है. आईडी ले लेने से ले लेने लो सबसे मत वो शू लगा है शू निकलने का दे ले आईडी. एक मिनट. हाय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अस ऑन सिल्वर इनिंग्स. यू आर वाचिंग यू आर वाचिंग अस ऑन सिल्वर इनिंग्स. लाइफ लाइफ बिगिंस एट 60. ये भी मुझे सारे फोन लगा रहा, पागल है क्या तू यार? कुछ से यार यार बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और अभी टेस्ट पता चलेगा और मुझे पता कि बहुत अच्छे होगा क्योंकि ओजस्वी और खुशांग की ख़ास बात है कि जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, तो बेशक ये बहुत अच्छा ही किया होगा. और दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों को कि इतना अच्छा काम शुरू किया है. ऑल द बेस्ट. तो बीइंग एन आर्टिस्ट क्या समझते हैं, कितना आसान है कितना मुश्किल होता है कि ब्रांड क्रिएट करना मार्केट में? बिल्कुल नहीं, डिफ़िकल्ट तो होता है लेकिन जब आपको पता है कि आप अच्छा कर सकते हो तो फिर आपके लिए. और मुझे पता है कि ओजस्वी जो भी चीज़ करती है परफेक्शन के साथ करती है, हम लोगों ने काफ़ी काम साथ में किया है तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा होगा. अभी सॉरी नहीं, साथ में तो अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं ओजस्वी और हम अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनके इस काम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. आईडिया नेट देयर इज शो कमिंग सिल्वर इनिंग्स. वाचिंग सिल्वर इनिंग्स एंड
सिल्वर इनिंग्स इनिंग्स लाइफ बिगिंस एट 60 सिल्वर इनिंग्स इनिंग्स क्या बोल रहे हैं मुबारक बात योर नेम एंड योर वाचिंग यू आर वाचिंग सिल्वर इनिंग्स इनिंग्स लाइफ बिगिंस एट 60 सॉरी एक बार फिर से बता दो योर नेम एंड योर वाचिंग हाय मैं हूँ मुबीन सौदागर और आप देख रहे हैं सिल्वर 16 सिल्वर इनिंग्स लाइफ बिगिंस एट 60 हाय मैं हूँ मुबीन हाय मैं हूँ मुबीन सौदागर और आप देख रहे हैं लाइफ बिगिंस सिल्वर इनिंग्स हाय मैं हूँ मुबीन सौदागर और आप देख रहे हैं सिल्वर इनिंग्स लाइफ बिगिंस एट 60 थैंक यू सर का ये बहुत पुराना सपना था वी डिस्कस अबाउट दिस व्हेन वी डूइंग संतोषी मां 2016 में एंड ही वांटेड ओपन अ रेस्टो बार इन बॉम्बे तब से बात चल रही थी आज उसका वो सपना पूरा हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम और बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से एंड बीइंग ऑलरेडी अ फेमस फेस को कितना इजी होता है कितना मतलब चैलेंजिंग होता है यू नो ब्रांड क्रिएट करना थोड़ा बूस्ट मिलता है आपको बींग अ फेस और बींग अ नोन पर्सन बट आई थिंक कोई भी जगह जो होती है चाहे वो रेस्टो बार हो चाहे वो आपका छोटा सा किचन हो चाहे वो आप कुछ भी करें लाइफ में आई थिंक एट दी एंड आपको कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी देनी पड़ती है तो आपका खाना अच्छा होना चाहिए आई एम वेरी श्योर कुशांत इज़ अ फूड लवर तो उसने अमेजिंग मेन्यू सेट किया होगा यहाँ पे और जगह ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है नाम काफ़ी अच्छा है सेम प्लेस सेम टाइम तो आई थिंक लोग बार बार यहाँ पे आएँ और आके यहाँ के खाने का लुत्फ उठाएँ और अच्छे से मजे करके जाए प्रोफेशनली मैं बात नहीं करूँगा फिलहाल अभी आई थिंक जब करूँगा तो जब कुछ अमेजिंग सा आ रहा है तो बात करेंगे इसके बारे में एक सवाल लेना मुझे हाँ योर नेम एंड हाय माय नेम इज अयाज अहमद एंड आई एम वाचिंग दिस डेज कॉल सिल्वर 60 इनिंग्स सिल्वर इनिंग्स योर लाइफ बिगिंस एट 60 ओके सॉरी हाय माय कुशांक और रजस्वी दोनों को सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ कि उन्होंने इतनी अमेजिंग जगह खोली है विच इज़ कॉल्ड सेम प्लेस सेम टाइम नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है सेम प्लेस सेम टाइम सो आई एम श्योर अंदर खाना और ड्रिंक्स भी बहुत अमेजिंग होंगे सो आई वुड जस्ट वॉन्ट टू विश देम कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सबको कहूँगा कि प्लीज़ सेम टाइम सेम प्लेस पर आए सच बताऊँ तो मैं उतना पार्टी वाला इंसान हूँ नहीं बट इट्स कुशांक एंड ओजस्वी प्लेस इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ एंड बस तो होपफुली इनकी जगह और बहुत ज़्यादा और जगह बढ़े और बाकी की पूरे भारत देश में इनकी जगह बने मैं नज़र करता हूँ स्टार प्लस पर मैं नज़र स्टार प्लस पर आता है 11 बजे सो प्लीज वॉच ओके चलो लेट्स मैम मैम प्लीज गाइस प्लीज वी कांट गिव सेपरेट सेपरेट बाय इंडिया न्यूज़ के लिए इंडिया न्यूज़ के लिए सब साथ में ले लो जो भी लेफ्ट ओवर्स है सब साथ में लो सुजीत हम बहुत खुश हैं फाइनली राहुल ने रेस्टोरेंट खोला है एंड ही वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट फूड एंड यू नो टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड फाइनली इट्स राइट देयर एंड वी लव द टाइटल सेम प्लेस सेम टाइम इट्स एन ऑसम प्लेस कुछ नहीं मैंने ये पहले भी कहा कि इट वाज 2016 जब हम साथ में बैठे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कुशांग कह रहा था कि मैं कुछ खोलना चाहता हूँ अपना रेस्टोरेंट एंड फूड एंड ऑल्सो वी आर रियली रियली हैप्पी दैट दिस थिंग इज़ फाइनली कम अलाइव एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट्स सेम प्लेस सेम टाइम मॉडर्न इनोवेटिव नेम वी लव इट सो अगर आप हमें जाने देंगे तो हम अंदर जाके प्लेस को चेकआउट भी कर पाएंगे I'm very happy to be here. I'm here literally as a person who enjoys food. I don't know them personally, but I know Sanaya Mohit. They've got me here. So I'm very happy to enjoy the food, which I want to go and eat if you let us go. एक मिनट हटे जाओ फोटो से इनका हो गया ना थोड़े और उनका हो गया
चलो जनता से इतने सारे केबल केबल निकालना क्या क्या Sir, what did you say about Kaushank's same place, same time? Definitely, wish him all the very best and hope they're going to do very well and that's our wishes for him. I know Kushank very well. From the village of Pantum, we have worked together. And his wife, Ojasvi, has also have become a very good friend of mine. And definitely, it's a very it's my pleasure to be here with them. And I congratulate them for their new venture. Definitely, and first of all, I want to tell you that not only because of the place, because the location is such that I think this is the happening place, and I think the entire crowd, our fraternity, and even for people outside, and this is the only place where I come very often. So I think it's a very good location for a place like this. मैं ज़्यादा socialize नहीं करती, लेकिन जब मेरा मन करता है, तो I party very hard. So in Mumbai, I usually go to Olive sometimes. I hardly go for clubbing, but yeah, Olive is my most favorite place. And sometimes Taj. And बहुत सारी अभी छोटी-छोटी जगह explore कर रही हूँ. हाँ मतलब बिगर सी न्यू प्लेसेस कम डेफिनेटली अ फ्यू डेज इट्स एक्साइटमेंट फॉर एवरीबॉडी बट अदरवाइज क्या होता है कि फिर चीज़ें पुरानी होती हैं तो धीरे धीरे यू नो इट्स जस्ट गोस अदरवाइज रियली एक्साइटेड टू कम हियर एंड एनीथिंग न्यू व्हिच इज आप एक बार किसी जगह पर जाते हैं यू लाइक द फूड एम्बियंस एंड एवरीथिंग दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज जगह तो बहुत खुलती है आए दिन खुलती हैं आपको भी पता है एंड बंद भी होती हैं बट यू नो द पीपल एंड यू नो द एम्बियंस इज देयर एंड द फूड इज गुड सो इट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड Your name, you are watching Silver Innings and Live Bings. Sir, sir, just one minute. Thanks. Chacha mic seedhe rakhi, yaar. Kyon tu marwa rahe? Rolling. Sir, what do you say about the new venture of the same place? Same... क्या है कि आप लोगों ने हमको यहीं घेर लिया अभी मैं गया नहीं हूँ अंदर लेकिन जो वाइब है वो इसी जगह पर और इसी वक्त मिलेगी अभी और आगे बहुत सारे ऐसे सेम प्लेसेस और सेम टाइम जो है खुलने वाले हैं बिकॉज कुशांग इज बिन अ डियर फ्रेंड एंड हमारी दोस्ती बहुत पहले से आती है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी अपने अपने करियर्स की सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरी अर्धांगिनी इधर आ चुकी हैं और ये बोलेंगी अब किस तरह का खाना पसंद है सब तरह का खाना पसंद है मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं होती है मैं चूजी नहीं हूँ मूडी नहीं हूँ खाने को लेके मैं बस फूडी हूँ नो चूजी नो मूडी आई एम जस्ट फूडी बस खाना रखो मेरे सामने मैं कोई खाना खिलाओ और आशीर्वाद अनलाइक अदर पीपल मैं कोई डाइट वाइट नहीं करती हूँ कुछ भी करती हूँ बस आई एम अ बिग टाइम फूडी आई लव गुड फूड गुड टेस्ट दैट्स इट मेरा फिटनेस मंत्र है बीवी का हाथ का बना हुआ डाइट खाना जो कि मुझे फिट रखता है तो इससे बढ़िया तो फिटनेस मंत्र हो नहीं सकता और आपका क्या है मेरा तो हैप्पीनेस है फिटनेस मंत्र देखो खुश रहो आबाद रहो खुश रहो खुश रहो आबाद रहो है ना और कॉन्फिडेंस आई थिंक एक्सरसाइज करते रहो जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको सूट करता है आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए और जो हेल्दी चीज़ें का मतलब ये नहीं कि डाइट करो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आपके उसको इंजॉय करो हाँ आप उसको इंजॉय कर लिया थैंक यू क्या लेना है ये कैमरा वाचिंग ओके You watching Silver Innings? लोग चार दस घुमाड़ बोल रहे हैं कहीं जाना है सर व्हाट डू यू से अबाउट द न्यू वेंचर सेम प्लेस सेम टाइम और शांति नगर पे
my friend Sushank and Jisvi Ramsar here. So I'm looking forward to see the place. And of course, the crowd is good and the place is good. And let's see. अंदर जाके क्या मजा आता है. कंग्रेचुलेशन सुशांत एंड ऑलरेडी बीइंग फेमस. तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना मतलब चैलेंज हो जाता है ब्रांड क्रिएट करना, क्या कितना इजी हो जाता है क्योंकि यू नो फेमस पीपल एंड दे आर क्रिएटिंग अ ब्रांड एज सच. It's all depend how it works, and we are very very confident about the Ojasvi and Sushant as well. और हमें पता है अगर उन्होंने इस तरीके का कुछ खोला है तो सोच समझ के खोला है. It's easy actually, क्योंकि सेलेब होने के नाते और एक इंडस्ट्री के प्राउड होने की वजह से आपको इजी हो जाता है उसकी चलाने के लिए. बाकी तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर जस्ट एंड योर द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग. अगर मैंने स्पोर्ट्स और नाइट लाइफ स्पोर्ट्स को फेवरेट कौन सा है जो कि आप स्पेंड करते हैं पर्टिकुलर टाइम. आई एम नॉट अ नाइट आउट पर्सन एंड आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन. आप जो है आज आउट कर सकते हैं आज से सेम टाइम सेम बचपन. There is a show coming for the old people. Silver innings, sir. अच्छा अच्छा ये देखो एल्फ्रांडो के बाजू में. Well, I would like to congratulate Kushank and Ujwal and all the best. It looks like a beautiful place and I'm sure it is. Aur hospitality ka obviously part ho main musician ho to it always feels nice and amazing. So favorite nightlife spot kahan pe jaate hain time spend karte hain? Well, main thoda sa bias ho OPA because obviously I am managing it, I'm handling it, I'm working there, so yeah. वेल आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम इनटू हॉस्पिटैलिटी. मैं खुद हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी सालों से हूँ बीइंग एन एक्टर एंड आई हैव ऑल द सपोर्ट फॉर देम किसी भी चीज़ में. और डिफिकल्ट तो होता है बट देन ऑब्वियसली इट इज़ द सेम थिंग यू नो. और क्वालिटी पर एक चीज़ अच्छी होती है कि व्हेन यू आर एन एक्टर यू ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी एंड आई एम श्योर कि वो भी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे एंड दैट इज़ द की टू सक्सेस. देयर इज अ शो कमिंग एक्टर्स हैं जिन्होंने ये खोला है. एक नई शुरुआत है, वेरी गुड डिसीजन. एंड बॉम्बे क्योंकि पहचाना जाता है नाइट लाइफ के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, तो आई होप एंड आई विश गुड लक फॉर देम. मैं एक्चुअली ज़्यादा बाहर पार्टीज में जाता नहीं हूँ, तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ वंस इन अ यू नो कभी कभी चला जाता है. ये भी आप होते 24/7 में से नाइट लाइफ क्या मानना आप कि 24 घंटे मतलब सारे रेस्टोरेंट कर रहे हैं बार या बस कितना अच्छा होता है स्पेंड करना लाइफ. उसमें कुछ बुराई नहीं है अगर 24 ऑलमोस्ट 24/7 तो है ही, बस ऑफिशियल हो जाएगा. अरे एक आईडी देना मुझे कट करना.